नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वॉच चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर 16800 के ऊपर जैसे निफ्टी आए तो आप अपनी कॉल बाय कर लेना 16800 की। और हमने साथ के साथ कॉल बाय की जैसे ही मार्केट खुली, क्योंकि 16820 पे खुली थी और हमें मिला 16970, मतलब सीधे सीधे 150 पॉइंट का प्रॉफिट। क्यों हुआ? क्योंकि आप निफ्टी और चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको इतनी टेंशन ही नहीं रहती, आपको पता है कि कौन से लेवल हैं। सबसे पहले मैंने कहा ही था कि 16935 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, हमने 16935 पे प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद जैसे 16950 क्रॉस हुआ, हमने फिर से ले लिया और हमें फिर से 16970 तक जो उसकी क्लोजिंग हुई, हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और जो अभी अभी नए चैनल से जुड़े हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने जब वीडियो डालता हूं साथ के साथ आपको मिल जाए। और उसके अलावा नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वो जरूर क्लिक करें, उससे भी आपकी काफी जानकारी बढ़ेगी टेलीग्राम पे भी। क्यों? जिस तरह से हम यहाँ यूट्यूब पे बताते हैं, वहां पर भी हम सुबह सुबह बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्या चल रहा है वर्ल्ड में। और उसके साथ साथ नीचे डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं, उसे जरूर क्लिक कीजिए, उससे भी आपको काफी अच्छा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी मैंने कहा था 35100 के ऊपर लेना और 34942 के जैसे ही यहाँ पे आए तो पुट लेना। तो हमने पुट ली और हमें मिला 34679, 34680, मतलब यहाँ से भी हमें लगभग 100-125 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और बाद में ये क्लोजिंग दी है इसने एग्जैक्टली 35100, और मैंने क्या कहा था कि 35100 के ऊपर आपने बाय करना है। अभी 35100 क्रॉस नहीं हुआ अच्छी तरह और मैंने 35105 का ये लेवल भी लगाया है, तो इसके बारे में अभी हम आगे बताते हैं। तो कल मैंने ये स्टॉक दिया था एक ही श्रीराम ट्रांसफर फाइनेंस, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी तो हमने 1192 पे इसे सेल किया और हमें क्या मिला 1150, मतलब 40 पॉइंट का प्रॉफिट हमें आराम से श्रीराम ट्रांसफर फाइनेंस में सेल करके भी हो गया। हालांकि इतनी बुल मार्केट थी आज, फिर भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब मुद्दा ये आता है कि आखिर बात क्या है, मार्केट इतनी पॉजिटिव क्यों हुई? देखिए, मॉडर्ना और फाइजर ने कहा है कि हमने एक ऐसी गोली बना रहे हैं कि जो एंटीवायरस होगी उससे, मतलब कि जो अब जैसे आप जानते हैं कई लोग डर के मारे कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उन्होंने कई लोग इंजेक्शन नहीं लगवा रहे। तो आपने एक व्हाट्सएप पे वीडियो भी देखी होगी कैसे हमारे देश में पकड़ पकड़ कर वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, वो एंटीवायरस के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो मतलब कि लोग डरते हैं इंजेक्शन लगाने से। तो अगर इस तरह की कोई गोली आ गई तो लोग जल्दी आराम से खा लेंगे और एंटीवायरस जो हमारे अंदर है वो और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो जल्दी WHO शायद उसे अप्रूव कर दे। तो उस खुशी से मार्केट भागी है, पूरे वर्ल्ड की मार्केट आज सुबह सुबह पॉजिटिव थी। और कल क्योंकि पॉजिटिव बहुत ज़्यादा थी मार्केट, हालांकि हमारी इतनी नहीं थी, एशियन मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, तो उन वहाँ पर थोड़ी सी सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग थी। बाकी डाओ आपके सामने ही है, ये रहा डाओ, डाओ पॉजिटिव चल रहा है, अभी 17 पॉइंट ऊपर है। तो मतलब कहने का कि अभी सब कुछ ठीक है, न्यूज़ भी अच्छी है और सब कुछ फर्स्ट क्लास है, और मार्केट ने आज क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी दी है। और कल के लिए जो हम 3 स्टॉक लेकर आए हैं वो है सन फार्म। सबसे पहले सन फार्मा को देखिए, सन फार्मा ने आज 100 EMA और 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी, और जो आज रैली आई है निफ्टी की तो उसने उसमें सन फार्मा अपने आप में स्ट्रॉन्ग हुआ है काफ़ी। तो 792 तक कोई भी डिप आए बाय कीजिए, 778 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तकरीबन 100 EMA 786 पर है और 20 EMA 762 पर, और 50 EMA है 790 पर। तो हमें 778 778 बेस्ट SL रहेगा। 792 तक कोई भी डिप बाय कीजिए, और ऊपर जो टारगेट हमें मिल सकते हैं वो 808 812 834 और ऊपर 868 तक के हमें टारगेट सन फार्मा में मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है ABFR, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। इसने भी आज 50 EMA से सपोर्ट ली 271, जहाँ से इसने इतनी अच्छी कैंडल बनाई है और इतनी बुलिश कैंडल बनाई है, और उसके नीचे जो है वो है 20 EMA। 20 EMA और 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग देना और वहाँ से 50 EMA से ही शेडो बनाना,
और ये एक अच्छा साइन है। 275 तक कोई भी डिप है बाय कीजिए, और 270 का स्टॉप लॉस रखिए जो आज का लो है, और टारगेट 286, 294, 304, 309, 334 तक के हमें टारगेट कल मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है एलटी। एलटी ने भी 20 डेमा और 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग, और इतनी लंबी कैंडल बनी है कि इसने पिछले 2, 3, 4 दिनों का जितना भी गिरावट थी सभी को उसने हजम कर लिया। तो 1862 तक कोई भी डिप आए बाय कीजिए, 1827 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर 1890, 1909, 1921, 1938 और 1980 तक हमें मिल सकते हैं। और अगर 1980 इसने क्रॉस कर दिया जो इसका ऑल टाइम हाई है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे देगा 2073 तक। एलटी जो एक वैसे भी फंडामेंटली भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये एक अच्छा स्टॉक है, और मुझे याद है मैंने दिवाली के दिनों में भी ये दिया था, और ये चाहे मार्केट गिरी है या बढ़ी है इसने अपनी जो मोमेंटम है उसे नहीं छोड़ा। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में आपको सबको पता ही है हमने खैर आज पुट में प्रॉफिट ले लिया, पर 35,100 के ऊपर जब तक ये बैंक निफ्टी नहीं आती तब तक एक अच्छा इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। जैसे ये 35,100 क्रॉस करेगा, 35,110 जहां मैंने एग्जैक्टली ये लगाया हुआ है 35,106, मतलब इसे क्रॉस करना चाहिए 35,110, 120 क्रॉस कर दे तब इसमें 35,100 की कॉल लीजिए, और स्टॉप लॉस आपको काफ़ी दूर लगाना पड़ेगा, वो लगाने पड़ेगा 34,900 का। और ऊपर के जो टारगेट आप करेंगे 35,207, पहले एक बार 35,207 पे अपना प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए, और उसके बाद जैसे ही ये 35,232, 240 क्रॉस करे फिर से 35,200 की कॉल लीजिए 35,200 के स्टॉप लॉस के साथ ही, और फिर आपको मिलेगा 35,359, 35,469, 35,625 और फाइनली मिलेगा 35,700। ये है ऊपर के बैंक निफ्टी के। और अगर ये साइडवे भी रहे यहाँ पर भी रहे फिर भी आप बाय कीजिए मेरे हिसाब से, अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकें तो 34,900 की कॉल बाय करना 34,900 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर यहाँ भी रहे तो 35,100 पे अपना प्रॉफिट बुक करते, हो सकता है ये 34,975 और 35,100 के बीच ही घूमती रहे बैंक निफ्टी अगर ये साइड में रहे। अगर ये मान लीजिए डाउन खुले तो फिर से 35,000 की पुट लीजिए, और ऊपर 35,100 का स्टॉप लॉस रखिए, और नीचे टारगेट फिर से आपको मिलेगा 34,781, 34,679, 34,524, 34,346 और फाइनली आपको मिलेगा फिर 34,200। देखिए बैंक निफ्टी आज कुछ स्ट्रॉन्ग है, इसकी कैंडल भी बुलिश है, कैंडल के अकॉर्डिंग इसे ऊपर जाना चाहिए, और जो अब मार्केट में इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी ये ऊपर जानी चाहिए। बैंक निफ्टी के ऊपर जाने की चांस अब बने हुए हैं क्योंकि इसने क्लोजिंग 34,900 के 80 के ऊपर दी है, तो ऊपर जाने की चांस ज़्यादा है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर 34,900 के नीचे जाए तो फिर पुट लीजिए, अगर इस एरिया में रहे तो 34,900 की कॉल लीजिए 34,900 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर 35,100 क्रॉस करे तो 34,900 की कॉल लीजिए 34,900 के स्टॉप लॉस के साथ, या 35,100 की भी कॉल ले सकते हैं, टारगेट 35,200 रहेगा। और इस पे ध्यान रखना इस एरिया में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 35,250 जब तक क्रॉस ना हो तब तक दोबारा छलांग मत लगाइए, फिर 35,200 की कॉल लीजिए अगर 35,250 क्रॉस हो जाए, फिर आपको ऊपर के टारगेट 35,469 तक मिलेंगे। जैसे ही 35,470 आए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और मेरे हिसाब से कल ज़्यादा से ज़्यादा 35,470 तक इसकी छलांग लगनी चाहिए। अगर ये भी क्रॉस कर दिया तो 35,700 फाइनल इसका हाई होगा कल के लिए, क्योंकि वहां पर है 200 डेमा। तो अब हम आते हैं निफ्टी पर। इंडिया विक्स 16.58, मतलब कि डाउन हो रहा है लगातार, तो ये बुल्स के फेवर में है, अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर जैसे 15-14 आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, चलिए कोई बात नहीं अभी भी इतना नहीं है वो, फिर भी ठीक है। पुट कॉल रेशियो 1.12, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि मार्केट अब भागनी शुरू हो गई, फिर से लोग मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि कल जो रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा बन रहा है वो 17,200 पर, उससे पहले एक जो रुकावट बन रही है बड़ी वो बनेगी 17,000 और 17,100। और एक चीज़ और बता दूं कि 17,000 पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है,
तो 17,000 भी हो सकता है कल क्रॉस हो जाए ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, और 17,100 पर थोड़ी रुकावट हमें देखने को मिले, मतलब 17,100 17,200 रेजिस्टेंस का काम करेंगे। नीचे जो सपोर्ट का काम करेंगे वो दो लेवल है, जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो 16,800 पे है, और उससे पहले जो सपोर्ट है वो 16,900 16,900 आज ही सपोर्ट बनी है, क्योंकि इसमें जो पुट राइटर हैं कॉल राइटर से ज़्यादा हैं, पुट राइटिंग भी इसमें ज़्यादा एडिड हुए हैं, जितने 16,800 पे उतने ही लगभग 16,900 पर भी हुए हैं। तो 16,800 16,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ऊपर की ओर 17,100 17,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब बीच में अभी हमें 17,100 तक के मार्जिन हमारे पास हैं अब हमें गेन करने के लिए। तो अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पर कि हमने निफ्टी में ट्रेड करना कैसे। देखिए आज इसने बुलिश कैंडल बनाई है, इंगल्फिंग बुलिश कैंडल इसे कहते हैं जो बनी है, और 914 936 14,940 के ऊपर क्लोजिंग देना ये एक बेस्ट सिनेरियो है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉल भी कईयों ने होल्ड की होगी, और जिन्होंने कॉल होल्ड की है तो उनके लिए जो टारगेट हैं वो हैं, और जिन्होंने कॉल नहीं भी की तो कल सुबह 16,936 16,936 16,940 तक कोई भी डिप आए आप 16,900 की कॉल लीजिए, 16,910 तक के स्टॉप लॉस के साथ या 16,900 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और टारगेट आपको मिलेंगे 16,972 17,009 17,063 17,163, और फाइनल आपको मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 17,196 17,200। क्यों? क्योंकि इसी एरिया में 20 डैम है। तो ये था ऊपर की ओर कॉल अगर यहीं पर मार्केट खुल जाए। अगर मान लीजिए वापस ये नीचे चले जाए तो आपने क्या करना है, इसमें आप ध्यान रखिए कि जब तक ये 16,857 को ना तोड़े तब तक आपने पुट नहीं लेनी, अगर 16,857 को तोड़ दे तब आपने 16,900 की पुट लेनी है, और स्टॉप लॉस 16,914 का रखना है, फिर टारगेट आपको मिलेगा 16,819 और 16,780। पर कल जो इन्वायरमेंट है डाटा है वो सारा कुछ ये बता रहा है कि कल मार्केट पॉजिटिव रहेगी और इसके गैप अप खुलने के चांस हैं, या यहीं पे फ्लैट खुलेगी, फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट, और हमें ऊपर के टारगेट अब मिल सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब थोड़ी सी बुल रैली है, क्यों? क्योंकि आज भी जब मार्केट उठी है तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये एक नॉलेज वाली चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है कि जब भी जितनी बार डिप लगे हैं आज उतनी बार बाइंग आई है, और नीचे से शेडो बनी है, ये देखिए मतलब हर डिप पे बाइंग आई है, हर डिप पे बाइंग आई है, और एंड में तो ब्रेकआउट ही आया इतना बड़ा कि मतलब अब बुल रैली लगभग स्टार्ट होने को है। और अब ये नहीं कह सकते ये शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग तो होती है ये वाली जो पिछले दिन हुई थी, वो शॉर्ट कवरिंग की हवा भी बड़ी जल्दी निकल गई थी, आज इसकी हवा नहीं निकली, मतलब ये है, ये स्ट्रॉन्ग है, और क्लोजिंग भी इसने दिन के हाई पर दी है। तो अब हम कह सकते हैं कि बुल रैली स्टार्ट होने वाली है, पर अभी हम इसे बुल रैली स्टार्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब तक ये 20 डैमा और 100 डैमा के ऊपर ना चले जाए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बुल रैली है। हाँ ये जरूर है कि अब मार्केट स्ट्रांगली इसमें बाइंग आ रही है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक तरह से इस मार्केट में आ रहा है, तभी मार्केट धीरे धीरे बढ़ी है। जब मार्केट धीरे धीरे बढ़ती है ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हमेशा याद रखिए, अच्छी बात है, ये धीरे धीरे बढ़ी है, गिर गिर के थोड़ी थोड़ी गिर गिर के ऐसे धीरे 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 ऊपर बढ़ रही है, तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, ये एक बेस्ट सिनेरियो होता है कॉल बाय करने का। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।